हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे और आज डे है वैलेंटाइंस डे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे ऐसा नहीं होता है कि आप हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ही होता है। वैलेंटाइंस डे सबके लिए होता है, जिससे आप प्यार करते हो उसमें आपकी मम्मा भी है, पापा भी हैं, भाई बहन सब आते हैं, फ्रेंड्स सब आते हैं। तो मेरा मानना यही है कि वैलेंटाइन डे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं होता है। आप अपनी फैमिली के साथ भी वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है कि जिससे आप प्यार करते हो, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, आप उसके साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। या तो आपकी मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन कोई भी हो, तो आप सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से इंजॉय कीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और इधर मेरी अलमारी भी खुली हुई है, और मैं आप लोगों को बता दूं, आज मेरा अभी तक कोई काम नहीं हुआ है अभी तक भी। एक तो मौसम भी ख़राब है, दूसरी बात आज जो है वो भाभी चली गई। जी हाँ, आज भाभी जो है वो चली गई, क्योंकि अब मेरी तबीयत भी ठीक है तो, और काम कुछ भी नहीं हुआ है। काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब कोई जाता है तो उन्हीं के काम में लग जाते हैं, कुछ और काम में कर भी नहीं पाई सुबह से बस। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब अपने काम पे लग जाऊँगी। थोड़ा सा परेशानी भी थी, वो गए तो अच्छा नहीं लग रहा था, बट कोई नहीं, फिर आ जाएंगे वो, ऐसी कोई बात नहीं है। और आज बारिश हो रही है, तो आज बारिश भी हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज सुबह से ही वो लोग निकल भी नहीं पाए क्योंकि बारिश ही इतनी तेज़ आ रही थी। भैया को आज ही जाना था क्योंकि उसने ड्यूटी से छुट्टी ले रखी थी, तो वो बोल रहा था कि मैं आज ही जाऊँगा, फिर मुझे कल की फिर छुट्टी करनी पड़ेगी, और वो छोड़ के भाभी को कल आ जाएगा। आज गया है, कल आएगा। और काम अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा सा मैंने सोचा पहले आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, फिर काम करूँगी। और कल जो था वो मेरा वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, ठीक है ना। तो कल मेरे साथ इतना पंगा हो गया, मैं इतनी परेशान थी कल, ज़्यादा कल बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, वो इसलिए क्योंकि मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ। और कल मैंने व्लॉग भी इसलिए नहीं बनाया, मैंने सोचा कि डॉक्टर के यहाँ से जल्दी आ जाऊँगी और फिर अपना व्लॉग बना लूँगी, आप लोगों के साथ अपडेट भी कर दूँगी, बट उसका उल्टा ही हो गया। हम डॉक्टर के यहाँ गए और पहले तो वो 1.5 घंटा लेट आई, और 1.5 घंटा लेट आने के बाद उन्होंने तुरंत मेरा अल्ट्रासाउंड बोल दिया कि तुम पहले अल्ट्रासाउंड कराओ और फिर आगे की मैं मेडिसिन लिखूँगी। तो हम अल्ट्रासाउंड भी कराने चले गए, अल्ट्रासाउंड कराने में हमें लग गए 2 घंटे। इतना हम अल्ट्रासाउंड लेके, उसकी रिपोर्ट्स लेके आए, इतना वो डॉक्टर उठ गई। तो फिर वो बोली कि मैं आपको फ़ोन पे दवाई बता देती हूँ, जो वहाँ पर नर्सें थीं वो सब कुछ उन्होंने बोला कि हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं और मतलब फ़ोन पे दवाई बता देंगी। तो हमें ये बात सही नहीं लगी कि हमें यहाँ 4-5 घंटे हो गए, उन्होंने देखा भी नहीं, हमें बहुत सी बातें भी पूछनी है उनसे, कुछ बातें भी करनी है, और वो हमें फ़ोन पे दवाई बताएगी। तो ओवरऑल ये हुआ कि हमने दवाई फ़ोन पे नहीं ली, और हमारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि हस्बैंड ने छुट्टी ली मेरे, और हमारा काम भी नहीं हो पाया। सारी बात ये है कि मुझे वो डॉक्टर समझ में ही नहीं आई, बिल्कुल पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें डॉक्टर अच्छी मिलती ही नहीं है। अब फाइनली यही बात है कि हमको ये डॉक्टर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर भी पता नहीं, मतलब अब वो मुझसे पिछले 2 महीने की बातें पूछ रही है कि क्या हुआ था क्या नहीं, जबकि मैं सब कुछ उनको बता चुकी थी, वो फिर मुझसे यही बातें पूछ रही थी। तो हम दोनों ने फिर यही डिसाइड किया कि हमको ये डॉक्टर भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी बातें हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब 1-2 दिन में देखती हूँ डॉक्टर चेंज होगी, कहाँ दिखाएंगे, बातें करेंगे किसी से, कोई अच्छी सी डॉक्टर मिल जाए तो। और बाहर हवा चल रही है ठंडी ठंडी, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये सब कुछ बातें मैं शेयर कर दूं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ तो आपसे छुपाने का तो कुछ बनता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ बताया आपको। अब देखते हैं जब भी डॉक्टर मिलेगी, कब जाऊंगी कब नहीं। और
अब मैं अपने घर की क्लीनिंग करूंगी यार। आज बाहर का मौसम सच में बहुत मस्त हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज बाहर का। मन कर रहा है कमरे में बैठ जाऊं और बस चाय पीती रहूं और कुछ नहीं। बारिश पड़ रही है बाहर, मौसम बहुत मस्त हो रखा है। मौसम की तो देखी जाएगी, बट काम जिस तरीके से फैला हुआ है ना, अगर मैं आपको अपना पूरा घर दिखाऊं तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि मेरा ही घर है। अगर मैं आप लोगों को अपना पूरा घर दिखाऊंगी तो आप लोग पहचान भी नहीं पाओगे कि प्रिया क्या ये आप ही का घर है, इतना बुरा हो रखा है बहुत ज़्यादा। अब मैं सोच रही हूँ कि अब लगूंगी काम पे तो जल्दी से फिनिश भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, कर लेंगे, आज अकेले हैं कोई नहीं है, टाइम पास भी तो करना है, मन कैसे लगेगा फिर। और दूसरी बात, इस घर की ना पूरी वॉल्स ख़राब होने लगी हैं, इनको देख के तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही है यार। मतलब पूरी वॉल्स ख़राब होने लगी है, बाहर की भी ख़राब हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ, जो सिंक वाली है वो भी बिल्कुल ख़राब हो रही है। देखो ये वाली भी ख़राब हो रखी है, पता नहीं इनको मतलब क्या वो कराया इन्होंने, पेंट वेंट कुछ नहीं हुआ है सही से, बिल्कुल सब ख़राब हो रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले काम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत काम है, बहुत टाइम लगने वाला है, पहले काम कर लेती हूँ फिर आपसे फुर्सत में बातें करूँगी।
मशीन लगा रखी है, कपड़े धुलने लग रहे हैं, कुछ तो धुल गए। सो काम तो मेरा पूरा फिनिश हो गया है, क्लीनिंग व्लीनिंग सब, किचन विचन सब क्लीन हो गया है, बस कपड़े धुलने लग रहे हैं। ये वाले तो धुल गए, ये धुल गए, और बस एक बार के और निकालने के लिए हैं, और फिर मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया फाइनली। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा पूरे घर के क्लीनिंग। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है कि आप अपना ये बेड यहाँ से थोड़ा बीच में कर लें, तो हाँ मैं सोच रही हूँ कि इसको बीच में करूँगी, थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है मुझे, वो मैं जल्दी ही सोच रही हूँ करूँगी। और कर्टेंस के लिए कोई ग्रीन बोल रहा है, कोई पिंक कलर बोल रहा है, तो मैं देखती हूँ कि किस कलर के लेने हैं, या तो पिंक या ग्रीन मैं से ही लूँगी अब, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही कर्टेंस लगाऊंगी। और हालत बिल्कुल ख़राब हो रही है, आप प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्यों काम कर रही हूँ तो मेकअप तो नहीं कर सकती ना, तो प्लीज़ कुछ नहीं किया है, आंखें भी सूजी हैं क्योंकि थक रही हूँ बहुत ज़्यादा। बट बस थोड़े से कपड़े हैं, ये वाले धुल गए, इनको ऊपर डाली आऊँगी, और बस थोड़े से धुलने लग रहे हैं मशीन में, तो थोड़े से धुलने लग रहे हैं। और ये फ्लावर थे ये वाले, इनको मैंने वॉश किया था तो मैं इनको भी लगा देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। धुलकर बिल्कुल नए हो गए हैं। और आज है वैलेंटाइंस डे, तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया था कि तुम रेडी रहना, कहीं पर चलेंगे, बट अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, पर सोच रहे हैं कि कहीं चले जाएं। मैंने आज तक वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं किया है, बट हस्बैंड का कॉल आया था कि तुम रेडी रहना, चलेंगे कहीं, देखते हैं। पक्का कुछ भी नहीं है कहीं जाने का, अगर हुआ तो आप लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करूँगी। अब तो आप मेरी फैमिली ऐसे बन चुके हो कि आपके साथ हर बात शेयर करने को मन करता है मेरा। और पाखी की हरकतें दिखाऊं मैं आपको? चलिए आपको पाखी की हरकतें भी दिखाती हूँ, देखो कहाँ बैठी है। हेलो, देखो कहाँ पर बैठी है, ये स्कूल से आ गई है, खाना वाना इसका सब हो गया है, और पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे, क्या कर रही हो? देखो कहाँ, मतलब पानी मांगा नहीं गया इससे, देखो कहाँ पे चढ़ के बैठी है। इसकी हरकतें बिल्कुल, चलो इसके खुद नहीं मांगती है बेचारी, बहुत सीधी सादी बच्ची है हमारी। इसकी नौटंकी भी बहुत है, बस अभी इसके ना एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो थोड़ी सी बेचारी बस परेशान ही रहती है क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नहा लेती हूँ, आप लोगों से बातें करूँगी, इस व्लॉग का एंड करूँ। देखो पानी, चम्मच से पानी पिया जा रहा है, वैसे कैसे नहीं, चम्मच ले रही है और पानी पी रही है। काम हो गया है ख़त्म, और अब मैं नहा ली हूँ, नहा करके ऐसा मन कर रहा है कि अब लेट जाऊँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, बट अभी मुझे बनानी है चाय, और पाखी के लिए दूध बनाना है बस, और मैंने पहना है सूट। काफ़ी लोगों ने बोला है मुझे कि आप पर सूट अच्छा लगता है, मैंने कुर्ती डाली थी एनिवर्सरी वाले दिन, तो सब लोगों ने मुझे बहुत बोला कि आप पर सूट अच्छा लगता है, तो मैंने सूट, वैसे मेरे पास ज़्यादातर हैं भी सूट ही, मैं ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ, तो आज मैंने ये सूट डाला है और बस। और ये पहन रखी है मैंने गले में गोल्ड की चैन, और इसमें एक छोटा सा दिल है, आप देख सकते हो ये, तो इसमें एक छोटा सा दिल है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो बस मैंने यही डाला हुआ है। अभी यहाँ की लाइट ऑफ है बाहर की, और पाखी लेटी हुई है, अभी देख रही थी कार्टून, ये रही, इसकी भी लाइट्स ऑफ है।
मंटू ने भी दूध पी लिया है और अब मुझे करना है थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि थकावट काफ़ी हो गई है। आज का काम ज़्यादा हो गया, तो अभी मुझे थोड़ी सी देर करना है रेस्ट। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ बस यहीं पर एंड, क्योंकि पता नहीं कितना बड़ा हो गया कितना नहीं, अभी एडिट भी करना है और आज ही मुझे ये डालना भी है। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो, और कमेंट ज़रूर करना, आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मेरा साथ देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करते रहिए। अपनी आप मुझे सजेशन देते हो, आप मुझे एडवाइस देते हो, आप मुझे कुछ समझाते हो तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे अगर आप मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलते हो, मुझे लगता है कि मेरे कोई फैमिली मेम्बर ही मुझे बोल रहा है। तो आप ऐसी इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना। तो आप प्लीज़ इसी तरह कमेंट करते रहें। और हाँ, हेयर कट को लेकर के एक बात मैं क्लियर कर दूँ, मैं अब अपने हेयर्स का कुछ नहीं कर रही हूँ, अब ये जैसे हैं बस वैसे ही। अब मैं ना इनको इनकी लेंथ कम कराऊँगी ना कोई कट कराऊँगी, बस जैसे हैं अब ये वैसे ही रहेंगे। मुझे इनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, पता चले कि करने गए अच्छे को और हो गया कुछ और ही, तो अभी ये ठीक है, अभी इनको कोई बुरा नहीं बोल रहा है, अभी ठीक है, पता नहीं चलेगा फिर बाद में ख़राब हो गए तो। और मैडम जी बैठी है मेरे पास में ही, और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर मांटू जाएगी, डांस क्लास भी जाना है उसको, उसको पढ़ाना भी है मुझे एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए, और फिर रात के डिनर की प्रिपरेशन भी करनी है। आगे का प्लान क्या है अभी कुछ नहीं पता, जब पता होगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी के साथ और रूटीन्स के साथ और एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो बस ऐसे ही बने रहिए मेरे अगेन। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे मेरी तरफ से। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।